प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुप बेशुंधुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद्यतम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावें पूजें आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि आधारा जावे सैस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा जावे सैंस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी कर जोरू विनती करूं धरू चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जा मैं गुलाम कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखें सोवा जाऊं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं
जो राखो तो ही रहो, जो देव सुखो। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय ना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हर, बावे बंदा बख्श दियो हो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुरे पिता कुलाज। मैं अपराधी जन्म का, नकसे कबरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सबर। सूरत करो मम साईया, हम है भव जल माही, आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बा। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़ी, जैसे काग जहाज को सूजत और न ठोर। परम पिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम पूज्य कबीर देव जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग सुनने को उपलब्ध हो रहा है। मनुष्य जीवन पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है और उनसे भी वो पुण्यात्मा अत्यधिक पुण्ययुक्त होती हैं जिनको ये सत्संग उपलब्ध होता है। जिन नेक आत्माओं को यहाँ सत्संग आने का अवसर मिला, उनके ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न है। सत्संग से हमें ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ जन्म लेने का क्या उद्देश्य था। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, संतों के विचार नहीं सुनते हैं, तब तक हम अपने उस दैनिक कार्य को जो हम करते और देखते आए, उसी को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानकर हम जी रहे होते हैं। जिस समय हमें ये सत्संग प्राप्त होता है, तब हमें ज्ञान होता है कि हम इस संसार में किस कारण से आए, आजीवन
हम अपने परिवार पोषण के लिए और यहाँ के मकान कोठी आदि बनाने में अपना सारा जीवन लगाते हैं और अंत में ये हमारे नहीं होते, हम छोड़कर चले जाते हैं। ये सोच करके हमारे बच्चे इसमें रहेंगे, हमारे जो आने वाले वंशज जो हमारे वो यहाँ रहेंगे, लेकिन वो भी धीरे धीरे इसको छोड़कर चले जाते हैं और फिर आगे जाकर के हमारे साथ क्या बनता है, केवल उसी प्रक्रिया में जो हम जीवन जी जाते हैं। कबीर हरि के नाम बिना ये नारकूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब होवे, माटी लदे कुमार के घास न डाले कोई। बीबी पड़दे रह थी डोडी लगे थी बार, अब गात उघाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजार। नक बेसर नक पर बनी पैरें थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी सुन कर्मों के खेल। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उघाड़े फिरती है वो करे सरायों शोर। अपनात्मा परमात्मा कहते हैं, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। सत्संग आने से हमें ज्ञान होता है कि ये मानुष जन्म हमें किस लिए प्राप्त हुआ था, और परमात्मा की भक्ति के बिना ये मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे जल रहित कुआं होता है। जिस कुएं में जल नहीं उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन उसमें गुण कूप के नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी सत साधना नहीं करते हैं वो भी मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन उसमें मनुष्य वाले गुण नहीं हैं। परमात्मा की साधना ना करने से परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, स्वयं कबीर परमेश्वर वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर यहाँ आए। हम इसी अपने दैनिक क्रिया में कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त होकर अन्य योनियों को प्राप्त होते रहे, उन भोली आत्माओं के कष्टों को देखकर परमात्मा स्वयं आए। उन्होंने हमें बताया कि मनुष्य जीवन केवल इसी प्रक्रिया के लिए नहीं मिला, जो भक्ति ना करके जो कर्म मनुष्य करता है वो अन्य प्राणी भी करते हैं, तो मनुष्य में और अन्य प्राणियों में भिन्नता नहीं रही। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा की साधना ना करने से, भक्ति ना करने से राजा भी गधे की योनि को प्राप्त करता है। अपुण्यात्माओं, एक के उदाहरण से आपको समझ में आ जाना चाहिए। परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान देते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और मिट्टी लदे कुम्हार के घास ना नीरे कोई। विचारणीय विषय है कि जब राजा भी भक्ति ना करने से पशु योनि में जाएगा तो आम व्यक्ति की क्या स्थिति है।
फिर परमात्मा याद दिलाते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये नारकूतिया हो और गली गली भौकत फिरे, टूक न डाले कोई। पुण्यात्माओं, सत्संग ना सुनने से तो हमें ये विश्वास ये नहीं होता कि हम अगले जीवन में पशु पक्षियों की योनियों में ही चले जाएंगे। हम यही सोचते रहते हैं कि हमें आगे भी मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। नहीं, ये भूल मत करना। और कोई ऐसा ज्ञान देता है तो वो अज्ञानी है कि मनुष्य फिर भी मनुष्य ही बनते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। मनुष्य जीवन उन पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जो मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा की सत्य भक्ति करते हैं। और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अन्यथा इस मनुष्य जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। इस मनुष्य जीवन के अंदर प्राणी अन्य प्राणियों से भी ज्यादा दुखी होता है। अन्य प्राणी तो अपना चारा चरा बैठ गए और ये रात को भी टेंशन में रहता है। भक्ति ना करने से इस मनुष्य जीवन की जो उपलब्धि है वो व्यर्थ हो जाती है, इसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। परमात्मा की साधना ना करने से प्राणी के ऊपर क्या आपदाएं आती हैं। बीबी पड़दा रहे थी, डोडी लगे थी बार, अब वो गात उगाड़े फिरती हैं बनकुतिया बाजार। वो पड़दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं और करें सरायों शोर। नक बेसर नक पै बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। जो राजा की रानियां जिनको हम ऊंच घराने की औरतें मानते हैं कि वो इज्जतदार घरों की बेटियां हैं, घरों से बाहर नहीं आती हैं, पर्दों के अंदर रहती हैं, परमात्मा कहते हैं पिछले पुण्य कर्मों से अब वो जो पर्दे में रहती थी और अपने आप को इज्जतदार घरों की बहन बेटियां मानती थी, वो उस लोकलाज के कारण संतों के पास नहीं जा पाई। सत्संग ना सुनने से उनको अपने मूल उद्देश्य का ज्ञान ना हुआ और वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे जिन कारण से कोई अच्छे धनाढ्य घर में उत्पन्न हुआ, कोई राजा के घर या कोई उच्च अधिकारी के घर, वहाँ उसका जन्म और संबंध हुआ। तो पिछले पुण्य जब तक उसके चले तो वो खूब ठाठ से रहे, और सत साधना ना करने से पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो गए। उन पुण्यों के समाप्त हो जाने से आगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ। उन पाप कर्मों के कारण फिर वो प्राणी, वो बहन बेटियां जो पर्दों में रहा करती थी, फिर नीवस्त्र नगन फिर रही हैं कुतिया बनकर। और अब उनको आहार क्या मिलता है? पहले वो क्या खाती थी? काजू किशमिश युक्त हलवे खीर खाया करती थी। और एक भक्ति ना करने से, परमात्मा की साधना ना करने से उनको क्या मिला? अब वो कुतिया बन गई है। और कुतिया बनकर क्या खा रही है? जैसे पहले धर्मशालाओं में अतिथि रुका करते थे सरायों में, और वो वहां पर खाना खाते थे। पहले राजघरा में रहती थी जो लड़कियां, अब कुतिया बनकर के वहां बैठी है, सामने खाना खाने वाले के सामने बैठी है और एक टक देख रही है, शायद कोई टूक मेरी तरफ आ जा, रोटी का कोई ग्रास मुझे डाल दे।
अब व्यक्ति खाना खाने के बाद सोचता है कुत्ता सामने बैठा है, एक टूक डाल दूं, वो ऐसे फेंक दिया जाता है। अब वो पहले काजू किशमिश युक्त हलवे खीर खाने वाली अब क्या खा रही है, वो जूठे टुकड़े और साथ में रेत मिला हुआ। अब परमात्मा याद दिलाते हैं वो पर्दे की सुंदरी, और सुनो संदेशा मोर, अब गातु गाड़े फिरती है वो करे सरायो सोर। अपने आत्माओं जरा सा भी विचार करके देखोगे तो कितना दुख है, कितना कष्ट है उन पुण्यात्माओं को जो पहले अच्छे घरानों में, अच्छे धनाढ्य घरों में जन्म लेकर के अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर गए। अब वो इज्जत कहाँ गई उनकी, अब वो इज्जत गलिया में फिर है उगाड़ी नी वस्त्र। तो पुण्यात्माओं इन बातों से डर के आप भी भजन करें, अपने परिवार के सदस्यों को, बेटियों को, बहनों को और संबंधी जो पत्नी है उनको भी परमात्मा से जोड़े, बहुत बड़ा पुण्य होगा। क्योंकि यहाँ काल ने हमें एक दूसरे के पराधीन कर रखा है, पत्नी को पति के अधीन कर दिया, फिर लोक लाज बना दी, तो जिस कारण से हम भगवान से दूर हो जाते हैं और आने वाले जीवन में बहुत कष्ट पे कष्ट उठाते हैं। अब जब तक प्राणी सुखी है तो समझो कि पुण्य चल रहे हैं। ये पुण्य कब किए थे उसने, कभी किसी जन्म में वो मनुष्य जीवन प्राप्त था, उस समय जैसे भी उसने पुण्य और पाप किए वो दोनों अलग अलग डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों में से कुछ जैसे भी एवरेज में जिसके ज़्यादा पुण्य हैं उनके, उनको पुण्य ज़्यादा ले लिए और पापों में से पाप दोनों का मिश्रण करके इस प्राणी का एक जीवन निर्धारित कर दिया जाता है मनुष्य का। अब जिनके पुण्य अधिक हैं तो वो बचपन से ही अच्छे घर में जन्म लेते हैं, फिर उनका कोई व्यवसाय अच्छा हो जाता है या कोई उच्च पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो भक्ति से दूर हो जाते हैं, भगवान से कोसों दूर रहते हैं। और ये सोच रहे होते हैं कि हम बिल्कुल सुखी हैं, हमें क्या जरूरत है भगवान की। और जब उनके ऊपर आपदाएं शुरू होती हैं, क्योंकि पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं तो पापों का सिलसिला शुरू होता है, दोनों ही भोगने पड़ते हैं, फिर वो सोचता है कब क्या बनी मेरे साथ। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होवे। कबीर, सुख में सुमरण किया नहीं दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब सुख में तो बकवाद करी, राम नाम के नेड़े आए नहीं, संतों के पास गए नहीं, सत्संग का समय मिला नहीं उनको, और फिर बीमार होकर मेडिकल में पड़े हैं। डॉक्टर चाहे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, टांग टूट जाए, 6 महीने खाट पर पड़ा रहता है, कार्य भी गया, पैसा भी खर्च होना शुरू हो गया और शारीरिक कष्ट भी प्रारंभ हो गया। अब समय भी हो गया और चिल्ला रहा पड़ा पड़ा, तो परमात्मा कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, जो सुख में ही भगवान की भक्ति करते हैं तो आगे आने वाले समय में
उनके प्रारब्ध में यदि कोई कष्ट है, पाप का दंड भी आना है, वो भी हल्का होके टल जाता है। कबीर, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिक में सूली हो वा काटे में टल जा। यदि सही साधना परम संत लेकर परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की साधना हम करते हैं सत मंत्रों से, तो फिर उस परमात्मा की कृपा से और उसके कृपा पात्र संत की शरण में आने से आई टले बला को भयंकर आपत्ति हो वो भी टल जाती है। जय भाग्य में सूली हो यानी किसी की मृत्यु दंड हो तो काटे में टल जा, वह काटे में टल जाती है। पुनात्मो, प्रत्येक प्राणी का जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया उसका परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने संबंधित जितने भी भाई बहन, रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड, मित्र, सखी, सहेली, उनको भगवान के विषय में जानकारी अवश्य दे, क्योंकि सभी ऐसे ही ज्ञानहीनता के कारण तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बिना वो अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद करें। उनके पास बैठे, धीरे धीरे उनसे चर्चा करे, परमात्मा के विषय में जानकारी देवे और हो सकता है कभी उसके भी भाग्य उदय हो जाए, कल्याण करवा ले। अपनात्मा, परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े उनकी रजा है प्रत्येक प्राणी पर, क्योंकि हम सभी प्राणी विश्व के एक ही भगवान की संतान हैं और वो है परम अक्षर ब्रह्म। वो परम अक्षर ब्रह्म हमारा सबका मालिक है, सबका पिता है और वो हमारे हित के लिए अपने सतलोक न छोड़ कर, सचखंड को त्याग कर यहाँ आता है, हमें सत भक्ति देने की चेष्टा करता है और हमें बताना चाहता है कि तुम यहाँ गलत रह रहे हो, यहाँ तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है। आज तुम संपत्ति को अपना मान रहे हो, आज आप संतान को अपना मान रहे हो, ये तुम्हारे धोखा है, भूल लगी है। आज आपकी मृत्यु हो जाती है, ना आपका परिवार है ना आपकी संपत्ति है, तो ये आपका है कैसे? आपके ऊपर काल ने इतना प्रभाव डाल दिया कि जैसे किसी ने नशा कर रखा हो तो वो कहीं भी रहे उस पर उसको कोई दुख नहीं होता, कष्ट तो हो रहा है लेकिन वो महसूस नहीं कर रहा कि मैं सचमुच या गंद में पड़ा हूँ जैसे कोई शराब पी के और बाहर गंद स्थान पर पड़ा है, कुरड़ियों पर पड़ा है, गली में पड़ा है और उसको कोई उठाने की भी चेष्टा करता है कि तू उठ ले भाई या गलत पड़ा है, तो वो कहता है छोड़ दे मौज हो रही है, तो वो मौज है, उसने मौज है, वो गंद में पड़ा है। तो ऐसे ही हम इस काल के लोक में ऐसे नशे में गंद में पड़े हैं। कैसे? परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। इस काल के ने अपने ब्रह्मांड रूपी कुएं में और बगैर तोल की, बगैर हिसाब की भांग घोट कर डाल रखी है माया की। और त्रिगुणमयी माया, रजगुण, ब्रह्मा, सद्गुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी के अंदर से निकल रही जो तरंगे हैं, वो रेंज है, उनके अंदर से निकल रही जो उनकी लपटें हैं तीनों गुणों की, ये हमारे ऊपर हमें प्रभावित कर रही हैं। जैसे रसोई के अंदर छोंक लगता है मिर्चों का और दूसरे कक्ष में, दूसरे रूम्स में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आती हैं। अब मूल वस्तु तो है रसोई में और उसने जो प्रभाव कहाँ तक कर दिया, दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं। अब उनको छींकें आना, वो रोकना उनके बस की बात नहीं,
ऐसे ही ये तीनों भगवान ऊपर रहते हैं अपनी राजधानियों में, शिवलोक में शिव जी और विष्णु लोक में विष्णु जी और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, और वहाँ से ही इनके शरीर से निकल रहे गुणों की जो का इफेक्ट है, प्रभाव है, ये हम तीनों लोकों के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के प्राणियों को ये प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। और जिस कारण से हम यहाँ इतना कुछ देख रहे हैं, एक परिवार के एक ही दुर्घटना में 5 सदस्यों में से 4 की मृत्यु होगी, एक लड़की बची छोटी सी, और बाकियों के फिर भी इस बात की चिंता नहीं बनती, ये क्या हो गया, सारी उम्र लगे रहे इस कार कोठी जोड़न में, आज क्या लेंगे वो साथ। तो इतना हमें विवेक नहीं रहा, हमारे ऊपर प्रभाव है, ये इतना प्रेशर है कि हम ज़्यादा सोच नहीं पाते, और हम भी फिर उसी प्रोसीजर में बाई फोर्स जोड़ दिए जाते हैं। हमें ये चिंता रहती है हमारे बच्चों का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, ये इतना प्रेशर हमारे ऊपर है, हम उस दुर्घटना को देखकर खिसक लेते हैं जल्दी कि वहाँ जाना है, ऐसे करना है। तो ये जीव के बस की बात नहीं है, ये तो परमात्मा के इस ज्ञान से, और फिर इन परमात्मा परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई गई साधना से, जो एंटीबायोटिक का काम करेंगे, जो हमारे इस माया के नशे को उतारेंगे, तीनों गुणों के प्रभाव को निष्क्रिय करेगी, तो वो मंत्र, वो ज्ञान हमें यहाँ सुनना पड़ेगा, और उन्हीं से फिर ये हमें सब राहत मिलेगी। तो परमेश्वर आकर हमें बताते हैं, वो स्वयं आकर बताते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल तभी ना काल का हा, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये सब इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे हो, इसको तुम सुख मान रहे हो, सुख नहीं है ये, तो तुम्हारी जंजीर है जो दिन से तुम्हें बांध रखा है, इन जंजीरों को तुम नहीं तोड़ सकते, कर्मों के बंधन से, कर्मों के बंधन रूपी जंजीर हमारे यहाँ बांध रखी है, बेड़ियाँ डाल रखी है, तो इन बेड़ियों को कबीर परमेश्वर ही काट सकता है, कर्मों के बंधन को, कर्मों के दंड को वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही हमें इनसे मुक्त करा सकता है, वो बंदी छोड़ कहलाते हैं। हम काल की कैद में बंदी बने हुए हैं, और बंदी को केवल इस काल के रूप में लोक में फंसे हुओं को केवल कबीर परमेश्वर वो बंदी छोड़ है, वो हमें यहाँ से छुड़वा के कर्मों के हिसाब किताब को पैरलर करके समांतर कर देगा, माइनस कर देगा, और फिर सतलोक ले जाएगा, क्योंकि हमारे संचित कर्म बहुत घने हैं, यहाँ पुण्य और पाप दोनों ही अलग अलग जमा होते हैं प्राणी के, और पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में देवपद प्राप्त हो जाता है, जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाते हैं उसके बाद फिर आपको 84 लाख योनियों में पाप भोगने के लिए भेजा जाता है, नरक में भी जाना पड़ता है, और जब एक पूरा राउंड 84 लाख योनियों का लग जाता है तब कुछ पुण्य शेष रख लिए जाते हैं, वो नेक्स्ट जीवन में आपको एक मनुष्य जीवन टर्न वाइज फिर मिल जाता है, और उस मनुष्य जीवन में यदि कोई संत नहीं मिला, सत भक्ति नहीं की, तो बैटरी चार्ज हो को नहीं, और बैटरी चार्ज नहीं होगी यानी पुण्य संग्रहित नहीं होंगे, तो फिर 84 लाख योनियों में तुरंत चला जाएगा। तो अपने आत्माओं, सत्संग में आने से एक तो आने वाले कर्मों के दंड कटेंगे, क्योंकि पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है, पाप से संकट होते हैं, और जिस पाप से संकट होने हैं भविष्य में और वो पाप ही नष्ट कर दिया जाए तो फिर संकट नहीं होते,
तो केवल एक ही परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, जो हमारे पापों के दंड कर्म को, पाप कर्म के दंड को यानी भोग को वो नाश कर सकता है। और वो भी उसने विधान बना दिया कि जो ये सत भक्ति परम संत से लेकर नियमित रहेगा, मर्यादा में रहता हुआ कर साधना करता रहेगा, तो उस प्राणी के वो संकट दूर होंगे। अब प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मानुसार अपने कर्म भोग रहा है। 84 लाख योनियों में जो प्राणी हैं वो तो सीधे ही अपने कर्म भोग रहे हैं, और जो मनुष्य जीवन प्राप्त है उनको एक और चांस दे दिया जाता है कि इस जीवन में तुम अपने शुभ और कर सकते हो। यहाँ शुभ तो करने से होंगे, अशुभ अपने आप हो जाते हैं। इस काल के लोक का यू ऐसा क्षेत्र है जैसे खेत में किसान जीवनदाता अन्न उत्पन्न करने के लिए कितनी मेहनत करता है, और साथ में खाद के बीज के फसल को यानी जमीन को संवारने के वो कितना पैसे लगाता है, कितना व्यय करता है, और इतना व्यय करके इतना परिश्रम करके फिर उसको वो अन्न प्राप्त होता है, और उसी जमीन को ना उसमें गुड़ाई करे, ना हल जोते और कुछ ना बोए, तो भी उसमें अड़ंगा उत्पन्न हो जाता, कबाड़ खरपतवार। तो ऐसे ही पुण्यात्मा इस मनुष्य जीवन रूपी, इस शरीर रूपी क्षेत्र में, इस जमीन में, इस जीवन में, इस काल के इस क्षेत्र में यही व्यवस्था है। यदि आपने शुभ करने पड़ हैं तो शुभ करने के लिए तो आप जी ने धर्मपुन संतों का सत्संग सुनने के लिए समय भी लगाना पड़ेगा, और धर्मपुन के लिए पैसे भी व्यय करने पड़ेंगे, और तब जा कर के आपके शुभ बनेंगे, और अशुभ करण की आवश्यकता नहीं, आप ही बन जाते हैं। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पृथ्वी के ऊपर आप जाते हो काम बस या अपना कोई सैर सपट्टा करते हो, कहते करोड़ों प्राणियों को मारकर पैरों के द्वारा, तब आप विश्राम करते हो, और फिर वो पाप तो अपने आप हो गए बिना करें, और पुण्य करने के लिए आप व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जो व्यवस्था पुण्य करने की आपने अपना रखी थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र विधि रहित थी, और जिससे आपके पुण्य तो बन नहीं रहे थे और पाप ही पाप बने थे। अपने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है और न उनकी कोई गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। 24वें श्लोक में तुरंत कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, और शास्त्र विधि से साधना करना यानी जो काम करने चाहिए भक्ति मार्ग के और जो ना करने चाहिए तो उनके लिए आप शास्त्रों को ही आधार बनाना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने तय, किसी संत के कहने से उन बातों को स्वीकार ना करना जो शास्त्र विरुद्ध हो। तो पुण्यात्मा आप जो साधनाएं करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी, उनसे मनुष्य जीवन के
मनुष्य के को जीवन जो आपको प्राप्त हुआ इसका उद्देश्य सफल नहीं होता। अब एक और नियम है प्रभु का कि जैसे कर्म करेगा जीव वैसा ही उसको प्राप्त होगा। तो जैसे आप जी शास्त्र विधि त्याग का मनमानी जो करते हो तो धर्मपूर्ण लाभ उनको भी आपको मिलेगा, लेकिन वो व्यर्थ होगा, क्योंकि ये विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। अपने आत्माओं, जैसे अभी आपको बताया कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे, तो उन करोड़ जीवों की हिंसा का पाप आपके पाप कर्म लिख दिया, और पुण्य आपको विधि का पता नहीं था को वैसे स्वाभाविक पुण्य बना दिया, कि तह भंडारा कर दिया, कोई कुत्तों को रोटी डाल दी, पक्षियों को दाने डाल दिए, कितने कोई प्याऊ बनवा दी। तो ये जो पुण्य आपका है तो शास्त्र विरुद्ध, इसको भी लिखा जाएगा उसमें आपके पुण्य अकाउंट में, लेकिन शास्त्र अनुकूल ना होने से ये व्यर्थ कैसे है अभी क्लियर करेंगे। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जैसे आप के मन में ये शंका आवेगी कि अभी जैसे हम फिर ये हमारे पाप कटेंगे, क्योंकि जैसे हम खेत में काम करता हाली हल से ट्रैक्टर से ना जाने एक दिन में अरबों खरबों जीवों के मार डालता है, जमीन खोद खोद गए वो बैड अकाउंट में लिख दिए, और फिर एक मजदूर है कस्सी का कार्य कर रहा है उससे भी पाप हो रहे हैं, वो भी उसके बैड अकाउंट में लिखे जा रहे हैं। जैसे हम पोचा लगाते हैं अपने घरों पर, बहन बेटियां ये सफाई करती हैं डेली, आजकल चिप्स के हो गए सारे, और पहले लिपा करते थे कच्चों को उसमें भी जीव मरते थे, अब ये फिनाइल के लगाते हैं पोचे इसमें भी जीव मरते हैं, हम खाना बनाते हैं उसमें भी जीव मरते हैं, हम खाना खाते उसमें भी जीव मरते हैं। तो फिर हमें पुण्य कैसे प्राप्त होंगे? पुण्यात्माओं, एक तो परम पूर्ण परमात्मा की शरण में आने से, उस परमेश्वर कबीर साहब के पास, परम अक्षर ब्रह्म के पास ये विट्टो पावर है कि सत भक्ति मर्यादावत करने वाले प्राणी के वो सभी संचित कर्मों का भी नाश कर देगा। अब संचित कर्मों का तो नाश हो गया, लेकिन रोज क्रियावान हो रहे हैं इनका कैसे होगा? अब जैसे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चलाने का प्रमाण पत्र नहीं है, और वो गाड़ी चला रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो सीधा दोषी बनता है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। और ऐसे ही अब यदि लाइसेंस है वो डुप्लीकेट है, किसी नकली तो बनवा रखा, तो भी वो दोषी, डबल दोषी। तो इस प्रकार हमने जैसे ये जीवन रूपी गाड़ी, शरीर रूपी हमारी गाड़ी है, इसको हम चला रहे हैं, यदि हमारे पास लाइसेंस है यानी गुरु मंत्र है, गुरु बना रखा है, पूरा गुरु हो, अधूरे गुरु तो डुप्लीकेट लाइसेंस बनाते हैं। तो अब पूरा गुरु जब आपको मिल जाएगा परम संत, उससे आपने दीक्षा ले ली, उसके बाद फिर आप दैनिक कार्य करते हो, तो उसमें जो भी जीव हिंसा एक स्वाभाविक क्रम में होती है वो आप पर लागू नहीं होगी, वो आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगी, वो आपके बैड अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। इच्छा कर मारा नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगे। किसको? जिसने परम संत की शरण यानी ओरिजिनल लाइसेंस बनवा लिया। अब जैसे गीता जी 18वें अध्याय के अंदर लिखा है कि अर्जुन, सभी कर्म ऐसे हैं जैसे लकड़ी जलाने से धुआं तो होता ही होता है, ये स्वाभाविक कर्म है आपके। इन स्वाभाविक कर्मों में जो भी हिंसा
होगी, जैसे आप खेती कर रहे हो तो उसमें तो होगा ही होगा, आपका उद्देश्य उनको मारना नहीं है। आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन को संवारना है, उसमें अपना अन्न पैदा करना आपका उद्देश्य है, ना कि उन जीवों को मारना। तो ये भी आपको तभी राहत मिलेगी, आपके पास परम संत से वो प्रमाण पत्र होगा। नहीं तो चलने का उद्देश्य गाड़ी वो भी लेकर इसी उद्देश्य से जा रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, और वो दूसरा जो लाइसेंस वाला भी उसी उद्देश्य से चल रहा है, तो उनसे अगर दुर्घटना हो जाती है दोनों से, तो वो तो बरी होता है जिसके पास लाइसेंस है, और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो सीधा जेल जाता है। अब समझदार के लिए संकेत बहुत है। फिर दूसरी बात है, जो डुप्लीकेटों से आपने बनवा रखा है, वो डुप्लीकेट संतों से नकली लाइसेंस बने हुए हैं, वो सोचते हैं हमने गुरु बना रखे हैं, तो वो भी आपको हानि देंगे, वो लाभ नहीं है, उससे कोई राहत आपको नहीं मिलेगी जब आप संसार छोड़कर जाओगे। अप्रसंग रहा कि जैसे अब गुरु की पहचान कैसे करें, वो इस सत्संग में आने से तत्व ज्ञान से पहचान होगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन वो तत्व ज्ञान जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ कही गई है, उसके जानने के पश्चात आप सभी कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ये है तत्व ज्ञान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने, ब्रह्म ने मुखे शब्द है मूल पाठ में, मूल संस्कृत में, और ब्रह्म ने मुखे का अर्थ इन्होंने कर दिया वेद की वाणी, जबकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में यही अनुवादकर्ता ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो यहाँ भी ये गलत कर रहे हैं, यहाँ लिखना था जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली हैं वो कबीर वाणी है, और उस कबीर वाणी में जो ज्ञान दिया है बहुत विस्तार के साथ दिया है, और कौन सा करना चाहिए कौन सा ना करना चाहिए ये सारा विवेचन दिया है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अनुवादकर्ताओं ने ठीक अनुवाद ना कर सके क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था इन लोगों को। संस्कृत अवश्य जानते थे, थोड़ी बहुत कथाएँ भी जानते थे, लेकिन नीम हकीम खतराए जान होता ही है, ऐसा ही इन्होंने हमारे साथ कर दिया। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान बोला गया है वो तत्व ज्ञान है, और उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, विनम्र भाव से प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान भी गीता जी में बता रखी है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में प्रथम मंत्र में कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष समझो, और जो व्यक्ति जो पुरुष इसके सभी विभागों को, सभी छंद को, विभाग को, टुकड़ों को विस्तार से बतावे, सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो आज से 600 वर्ष पहले लगभग परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव, धानक कबीर, जुलाहा कबीर, बनारस में, काशी शहर में यही लीला करने आए थे, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही कर कर गए थे। उस समय परमेश्वर ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार,
और तीनों देवा साखा हैं ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ये सर पुरुष वाकी डार और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी ये शाखा हैं और पात रूप संसार। अपने आत्माओं अभी मूल शेष है, वो जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म से परिचित और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उसी लिए साधना करते हैं और इस संसार की किसी वस्तु की उनको इच्छा नहीं रहती। तो यहाँ पूछा है तो फिर किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। तो वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म ज्ञान क्या है और कर्मों का क्या विश्लेषण है, ये मुझे बताइए। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। पुरुष माने प्रभु। अब जो जितना भी अधिपति है उतना ही स्वामी है वो, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का स्वामी डिप्टी कमिश्नर और एक विभाग का स्वामी जो है एक मंत्री साहब और एक स्टेट का प्रभु, एक स्टेट का स्वामी मुख्यमंत्री साहब और एक राष्ट्र का स्वामी प्रधानमंत्री, वो उतना ही प्रभु है। तो ऐसे ही सर्वपुरुष गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुषों की जानकारी है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष तो ये ज्योति निरंजन काल है जिसके 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है। और ये अक्षर पुरुष एक 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, ये उनका प्रभु है, पुरुष है। और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, पुरुष है, वो इतना स्वामी है, इतना पुरुष है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, कुल का मालिक है। सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी उसका आधिपत्य है, उसका वो स्वामी है, मालिक है, कुल का मालिक है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए। 16वें श्लोक में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष की जानकारी दी है कि इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान हैं और जीवात्मा तो किसी की मरती ही नहीं, ये तो चैप्टर अलग है, वो तो कुत्ते की बिना मरती, गधे की बिना मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, उत्तम पुरुष यानी वो श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और ही है। इन दोनों से न्यारा है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और उसी को परमात्मा कहते हैं, वो भगवान कहलाता है, वही भगवान कहलाता है, वही परमात्मा कहलाता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ऊपर को जड़ वाला ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ है, यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो से आदि पुरुष परमेश्वर कहो, दिव्य पुरुष कहो, गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वो तो उसकी संसारूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है। पूरे वृक्ष का धारण पोषण करने वाला मूल है, वो जड़ है। इसी प्रकार वो परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो जमीन से पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं,
तो यहाँ क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, वो तना समझो, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। एक बार आपको चित्र दिखाते हैं, ये देखिएगा संसार रूपी वृक्ष का चित्र, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र का आशय, और 16 और 17 का, 1 से 4 और 16 और 17 श्लोकों में उसकी जानकारी इस वृक्ष से समझ में आओगी। देखिएगा, ये देखो एक पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो इसको, ऊपर तो जड़ है, और ये समझो जमीन से बाहर जो दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। ये जड़ तो परमाक्षर ब्रह्म है, ये परमाक्षर ब्रह्म समझो मूल है, जड़ है, इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। और फिर ये समझो इतना, ये बाहर देखिएगा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और ये सरपुरुष इसकी डार, और तीनों देवा शाखा है, रुद्रगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तीनों शाखा है, और पात रूप संसार हम यहाँ पर हैं। आप जी को जो आहार प्राप्त होता है, आप जी तो पत्ते हैं हम सभी, और ये चलता कहाँ से है, इसका आहार यहाँ से चलता है। ये परम अक्षर ब्रह्म ऊर्ध्व मूलम् अधः शाखम्, गीता ज्ञान दाता ने केवल इन तीनों शाखा का कोड वर्डों में जिक्र किया है, और केवल इस मूल का किया है। ऊर्ध्व मूलम् अधः शाखम् अश्वथः प्राहु अवैव, और छन्दसि यस्य प्राणायतम वेद स वेदवित्। उसने सिर्फ ये बताया कि इसके टुकड़े हैं, और इसमें जो पत्ते हैं, पत्ते आदि, और ये उसके टुकड़े हैं, विभाग हैं, इन सब को विभागों को जो जानता है स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा पेड़ कहलाता है। तो तना पेड़ होता है, तने से स्टार्ट होता है ऊपर। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार यानी सरपुरुष वा की डार, ये मोटा हिस्सा, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा चित्र देखने के बाद आपको। अब जैसे परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार, और यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक 1 से 4 और 16-17 स्पष्ट कर रहे हैं कि वो ऊपर को जड़ वाला आदि पुरुष परमेश्वर तो ऊपर को जड़ है, और तीनों गुण नीचे को शाखा हैं, और बीच के हिस्से का उसने कोई जिक्र नहीं किया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि इसको वो तत्वदर्शी संत बताएंगे 34वें अध्याय के 34वें श्लोक में, और वो तत्वदर्शी संत उस परम अक्षर ब्रह्म की सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से, उस तत्व ज्ञान से परिचित होगा, और वही बता सकेगा। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये ज्ञान दिया था, उसके बाद इस दास पर मेहर की है, रजा बख्शी है, वो ज्ञान इस दास को दिया है। तो जो आज आपके समक्ष विद प्रूफ सार्वजनिक किया जा रहा है, तो यहाँ कहते हैं जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। तो हमने तत्वदर्शी संत की पहचान करना भी आसान, और फिर वो सतनाम देता है, वो सतनाम 2 अक्षर का होता है, उसमें एक ओम और एक तत्। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने की विधि बताई है, उसमें 3 मंत्र जाप करने पड़ेंगे आपको, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है।